नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी समस्या अपने आप में बड़े नहीं होती। वो बड़े तब होते हैं जब आपका दिमाग उनमें अटक कर रह जाता है, जब आप एक ही बात के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। हालांकि आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाते, पर फिर भी आप उसी बारे में लगातार सोचते ही रहते हैं। और जितना ज़्यादा आप किसी समस्या के बारे में सोचेंगे, वो समस्या आपको और बड़ी होके लगने लगेगी। और जो लोग एक ही समस्या को हद से ज़्यादा सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ खत्म हो जाती है। उनको ज़िंदगी में कोई खुशी दिखाई नहीं देती। और कई लोग तो इस हालत में पहुँच जाते हैं, उन्हें लगता है हम तो अपना जीवन ही खत्म कर लें। याद रखना एक बात, जिन चीज़ों पर आपका बस नहीं चलता, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड डैट कैन ट्रबल यू एज मच एज योर ओन थॉट। सबसे ज़्यादा अगर आपको दुनिया में कोई दुख दे सकता है, परेशान कर सकता है, तो वो आपकी खुद की सोच है। किसी भी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करना आपकी हर समस्या का कारण। ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। आपकी हर दुख का कारण आपकी खुद की सोच होती है। स्टॉप ओवर थिंकिंग, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, जस्ट लेट इट बी। जिन चीज़ों पर आपका बस नहीं चलता, आप उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें। हम चाह के भी सिचुएशन को, इंसानों को बदल नहीं सकते, पर अगर हम चाहें तो खुद की सोच को बदल सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है, जो हर समय सोचते ही रहते हैं, अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, उनके लिए अब 5 उपाय हैं, 5 सॉल्यूशंस हैं। अगर वो इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो उनकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। सबसे पहली बात, आप खुद को बिजी रखें। ओवर थिंकिंग उन्हीं लोगों को होती है जो ज़्यादा समय खाली रहते हैं। अगर आप अपने कामों में बिजी हैं, तो आपका दिमाग उन बातों में जाएगा ही नहीं। पर आप इतने भी ज़्यादा बिजी ना हो जाएं कि आप अपने रिश्तों से ही दूर हो जाएं, अपनी ज़िंदगी से ही दूर हो जाएं। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। बहुत ज़्यादा खाली रहना भी खराब है, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहना भी खराब है। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को बिजी रखें, और बिजी सिर्फ उन कामों में ना रखें जो आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने आप को उन कामों में बिजी रखें जो काम करना आपको अच्छा लगता है। आप अपनी जिम्मेदारियों में इतना मत उलझ जाएं कि जो काम आपको खुशी देते हैं, जो काम आपको मन को सुकून और शांति देती हैं, जिससे आपको अच्छा और बेटर फील होता है, वो काम आप ज़रूर करें। क्योंकि जब आप उन कामों को करना छोड़ देते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, तो आपका हर काम आपको बोझ लगने लगता है। आपको काम करने में भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप वो नहीं कर रही हैं जो आपको अच्छा लगता है। आप सिर्फ वो कर रही हैं जो आपको सिर्फ जिम्मेदारी निभानी है। अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं, और साथ ही साथ वो काम जरूर करें जो आपको करना चाहती हैं। फालतू की चिंता करना छोड़ दें और आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। दूसरी बात, आप अपने हेल्थ की केयर करें, अपने शरीर का ध्यान रखें। जो लोग ज़्यादा सोचते रहते हैं, धीरे धीरे उनका शरीर भी खराब होने लगता है, क्योंकि उन्हें किसी काम में मज़ा नहीं आता, किसी काम में रस नहीं आता। वो धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और हेल्थ आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत से लोग तो इस बारे में अवेयर ही नहीं होते। रोज़ सुनते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, और उसके बाद भी शरीर के लिए कुछ नहीं करते। सारा दिन हम शरीर से काम लेते रहते हैं, पर शरीर को हम कुछ देते नहीं। शरीर को बेहतर बनाने के लिए हम शरीर का ख्याल नहीं रखते। हमको लगता है जब तक चल रहा है चलने दो, पर ऐसी आपकी बॉडी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे आपका शरीर जल्दी बड़ी बड़ी बीमारियों के पकड़ में आ जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको कौन सी बीमारी लग गई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर का ख्याल जरूर रखें। और सिर्फ तब नहीं, जब आपको कोई चिंता है, परेशानी है, इससे अपनी हैबिट बनाएं, इससे अपनी लाइफस्टाइल बनाएं कि मुझे अपने शरीर का ख्याल रखना है और हमेशा रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरी बात,
अपनी लाइफ का कोई गोल बनाएं, कोई मिशन बनाएं और डेली उस पर वर्क करें। कोई भी सपना बड़ा नहीं हो सकता, अगर आप उसमें लग जाएं तो आप उसे जरूर हासिल कर सकते हैं, जरूर सच कर सकते हैं। धीरे धीरे चाहे दो दो कदम ही अपने सपने की तरफ बढ़ाएं, अपने गोल की तरफ बढ़ाएं, पर एक दिन आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे अगर आप लगातार उस पर चलते रहते हैं तो। और जो इंसान अपनी मंजिल की तरफ चल रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ चल रहा है, तो उसे फुर्सत कहाँ है चिंता करने की, परेशान होने की, क्योंकि उसका ध्यान अपने लक्ष्य पे है। और चौथी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेवर डिपेंड ऑन योर सेल्फ ऑन एनी वन और एनी थिंग। कभी भी खुद को किसी पर डिपेंड मत करें। जब आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी की हर खुशी की वजह बना लेते हैं तो वो इंसान आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि आपकी खुशी अब उसके हाथ में है। वो जब आपको चाहे खुशी देगा तो आप खुश होंगे, वो जब आपको रुलाएगा तो आप रोएंगे। जैसे ही आप खुद को किसी पर डिपेंड करते हैं आप भी खो जाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग इंसान होता है वो कभी भी खुद को दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, रिश्ते हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, आप दिल से उन्हें निभाएं, सच्चाई से निभाएं। जब तक लोग आप पर डिपेंड हैं आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। और जैसे ही आप लोगों पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी की खुशियों का कारण ना बनाएं, आपकी खुशियों का कारण सिर्फ आप हो। जो लोग यह भूल करते हैं और अपनी खुशी का कारण किसी और इंसान को बना देते हैं वो लोग बहुत तरफ तरफ के रोते हैं और सारी ज़िंदगी उनकी दर्द में ही गुजर जाती है, क्योंकि उन्हें खुद से तो खुश रहना आता ही नहीं। वो जब दूसरा इंसान खुशी देगा तब ये खुश होंगे। तो कभी भी ये गलती ना करें, आपकी खुशी आपके हाथ में होनी चाहिए। और पांचवी बात जो बहुत ज़रूरी है, जो लोग बहुत अवॉइड करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, वो है मेडिटेशन। जो इंसान मेडिटेशन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, वो कभी भी मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो सकते, अपने लाइफ के गोल पर फोकस नहीं कर सकते, अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर सकते, वो हर तरीके से वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जो इंसान डेली मेडिटेशन करता है वो इमोशनली और मेंटली इतना स्ट्रांग होता है, उसकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो बहुत जल्दी हर परेशानी से बाहर निकल आता है, क्योंकि उसका उसके माइंड पर पूरा कंट्रोल होता है। ध्यान सिर्फ तब नहीं करना है जब आप परेशानी में हो, इससे अपनी आदत बनाएं, क्योंकि बाहर के लोग बदल जाएंगे, बाहर की चीज़ें बदल जाएंगी, रिश्ते बनेंगे टूटेंगे, पर जो आप खुद के लिए करेंगे वो आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। तो पांच बातें ये आप हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहली बात, आप खुद को बिजी रखें उन कामों में जो आपको अच्छे लगते हैं। दूसरी बात, आप अपनी हेल्थ की केयर करें। तीसरी बात, अपने लाइफ का कोई मिशन या गोल बनाएं। चौथी बात, आप अपने आप को किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड मत करना। और पांचवी बात, आपको डेली मेडिटेशन ध्यान करना है फॉर योर ओन ग्रोथ, अपनी तरक्की के लिए करना है। ध्यान करके आप किसी पर एहसान नहीं करते, जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी शक्तियों से परिचित होते हैं, आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, आप क्या क्या कर सकते हैं। जो इंसान ये पांच बातें अपनी ज़िंदगी में अपना लेगा उसकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ ठहर ही नहीं सकते। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।